सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं नारियल की बर्फी बना रही हूँ। तो उसकी सामग्रियाँ, 2 कटोरी में नारियल का बुरादा ली हूँ, 1 चम्मच घी ली हूँ, 1 कटोरी मलाई ली हूँ, 1/2 कटोरी चीनी, चीनी तो आप अपने हिसाब से जितना मीठा आपको पसंद हो, थोड़ा इलायची पाउडर ली हूँ, थोड़ा मैं कलर ली हूँ। अब मैं गैस को ऑन कर ली हूँ और उसमें घी डालती हूँ। घी मैं डाल दी हूँ। अब मैं इसमें नारियल का बुरादा डाल के हल्का धीमे आंच में भूनूंगी ताकि इसका कलर ना चेंज हो। भूनते हुए 1 मिनट हो गया है, इसे ज्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें मैं मलाई डाल रही हूँ। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप इसमें दूध डाल सकते हैं। और इसको इसी तरह से मिलाते हुए चलाना है। दूध में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा आपको पकाने में, मलाई से जल्दी तैयार हो जाएगा बनके। अब इसमें मैं चीनी भी डाल दी रही हूँ। चीनी मैं साबुत ली हूँ, आप चाहे तो पीस के डालिए और चाहे तो साबुत डालिए, क्योंकि इसको मेल्ट होना तक मैं चलाऊंगी। सब चीज इसको धीमी आंच पे ही करना है। हमारा डो तैयार हो गया है। मैं थोड़ा देर चलाई हूँ, चीनी भी इसमें घुल गई है और हमारा मलाई जो है खोवा जैसे दिखने लगा है। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डालती हूँ और गैस बंद कर देती हूँ। थोड़ा सा इसे चलाते चलाते ठंडा करूंगी, बहुत गर्म है अभी। मेरा डो ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे ट्रे में 2 पार्ट करके रखूंगी। क्योंकि मैं कलरफुल बर्फी बना रही हूँ इसलिए 2 जगह रख के तब मैं इसमें कलर मिलाऊंगी। आप चाहे 1 कलर यूज कर सकते हैं, नहीं तो प्लेन ही बना सकते हो। मेरी इच्छा थी कि मैं कलर में आज बनाऊं। अब इसको मिक्स कर लेंगे कलर को। अभी भी गरम है, उतना ठंडा नहीं है, मिलाने में थोड़ा हमें परेशानी हो रही है। आप जब थोड़ा सा और नॉर्मल हो जाए तब मिलाइए। मैं चम्मच की सहायता से सोच रही मिलाऊं, गरम है ज्यादा। मैं सारा कलर मिला चुकी हूँ। अब इसको मैं ट्रे में सेट करती हूँ। ऐसे आपको दबा दबा के फैलाना है। मैं पहला कलर सेट कर चुकी हूँ। अब इस पे मैं दूसरी लेयरिंग लगाऊंगी। हाथ से रख ले रही हूँ, वजन है। अब इसको भी मैं इसके ऊपर ऐसे फैला दूंगी। हमारा दूसरा भी लेयर मैं सेट कर दी हूँ। अब हमारी बर्फी पूरा तैयार है। आप इस पे चाहे चांदी वर्क लगाइए या कोई ड्राई फ्रूट। मैं थोड़ा सा पिस्ता डाल रही हूँ। आप काजू भी डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा दबा देंगे ताकि इसमें चिपक जाए। अब इसे मैं फ्रीजर में 2 घंटे के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए।
दो घंटे हो चुके हैं, मैं फिर से अपनी बर्फी निकाल चुकी हूँ। अब ये काटने के लिए सेट हो चुका है। अब मैं काट के दिखाती हूँ, बर्फी अच्छे से कट भी रही है। ये बर्फी बहुत जल्दी झटपट बन जाती है, आप कभी भी बना के खा सकते हैं। हमारी बर्फी बनके तैयार हो गई है। इसको बनाने के लिए थोड़ी सी आप सावधानियां बरतेंगी तो अच्छा बर्फी बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा नॉर्मल धीमी आंच पे भुनना है। उसके बाद चाहे दूध डालिए चाहे मलाई डालिए, उसको भी अच्छा से उसमें मेल्ट होने तक, सूखा एकदम बनने तक भुनना है। फिर चीनी भी वही करना है, और आपसे अपने आप भी भुनते भुनते कढ़ाई में छोड़ने लगता है, तब आपकी बर्फी जमाने के लिए तैयार हो जाता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर जरूर करिए। थैंक यू।